नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका डेली लाइफ में। आज हम बना रहे हैं मटर की कचौरी। जी हाँ, यम्मी और डिलीशियस। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक पैन। पैन के गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे करीब 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा। जीरा के चटकते ही अब इसमें डालेंगे हम 1 इंच कसा हुआ अदरक और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। सर्दियाँ आ गई है और मटर काफ़ी मात्रा मिल रहे हैं। हमें मटर का प्रयोग किसी के न किसी रूप में करते रहना चाहिए। मटर में मल्टी विटामिन पाए जाते हैं। प्रोटीन, मिनरल, फाइबर से भरपूर होते हैं। मटर खाने से हमारे पाचन तंत्र मजबूत होता है, पाचन शक्ति बढ़ती है, हमारे स्किन पे ग्लो बना रहता है और हमें जवां दिखने में मटर हमारी हेल्प करता है। मटर दिल को भी स्वस्थ रखता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, कैंसर के खतरे से भी बचाता है, स्मरण शक्ति भी बढ़ाता है। मटर के बहुत सारे गुण हैं, इसलिए हमें मटर का सेवन सर्दियों में करना चाहिए, क्योंकि यही टाइम है जब मटर भरपूर मात्रा में मिलता है और इसे हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। लीजिए, हमारे अदरक और हरी मिर्ची भून के तैयार हो गए। अब इस स्टेज पर हम डालेंगे 1 कप मटर। यहाँ पे मैंने फ्रेश मटर लिए हैं, आप इसकी जगह फ्रोजन मटर हो तो वो भी ले सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से हिलाकर पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। अब हम इसको ढककर छोड़ देंगे जब तक कि ये मटर गल कर एकदम मेसी से ना हो जाए। अब हमारे मटर एकदम पक कर तैयार हो चुके हैं, ये देखिए एकदम गल गए। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले जो हमारी कचौरी के टेस्ट को 2 गुना बढ़ा देगा। 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 बड़ा चम्मच हम लेंगे मोटा कुटा हुआ खड़ा धनिया और सौंफ। आप सौंफ अगर यहाँ लाइक नहीं करते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे इसका टेस्ट निकल कर अच्छा आएगा। और यहाँ पे हम डालेंगे 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून हम यहाँ पे ऐड करेंगे गरम मसाला और 1/2 टीस्पून हम यहाँ पे अमचूर पाउडर ऐड कर देंगे। और इसके बाद इसको अच्छे से स्टेयर करके इसको गैस को हम ऑफ कर देंगे और ये पैन की गर्मी से ही सारे मसाले हमारे भून कर अच्छे से तैयार हो जाएंगे। मटर हमारे भून के तैयार होते हैं तब तक हम हमारा डो प्रिपेयर कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 कप मैदा और 1/2 कप आटा। आप चाहे तो फुल कप मैदा या फुल कप आटा, एक चीज़ कोई भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून नमक या टेस्ट अनुसार नमक आप ऐड कर सकते हैं। और मैंने 3 टेबल स्पून यहाँ पे घी ऐड किया है। आप इसकी जगह ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन घी से कचौरियाँ एकदम खस्ता बनती है, इसलिए मैंने इसमें घी ऐड किया है। और यहाँ पे मैंने गुनगुने पानी से इसका सॉफ्ट डो तैयार करना है। गुनगुने पानी से डो तैयार करने से हमारा घी मेल्ट ही बना रहेगा और इसमें जमेगा नहीं। आटा हमारा गून के तैयार हो चुका है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा डो तैयार होता है, हम हमारे मटर और इसमें 1 मुट्ठी हरा धनिया डाल के इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। मटर हमारे यहाँ पे अच्छे से पीस के तैयार हो चुके हैं, ये देखिए। हमें इन्हें ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, हमें इन्हें थोड़ा दरदरा ही रखना है। और अब हम इसके छोटी छोटी बोल तैयार करेंगे। हमको पोर्शन थोड़ा सा हाथों में लेना है और हमें नींबू के साइज़ की इस तरह से बोल तैयार करेंगे। लीजिए, हमारी बोल सारी तैयार हो गई और हम आटे को थोड़ा सा और मसल के चिकना करेंगे और नींबू के साइज़ की 1 लोई तोड़ेंगे और इसको हाथ से दबा दबा के इस तरह फैलाएंगे। आप चाहे तो आप बेलन की सहायता से भी इसको फैला सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे बने हुए मसाले की लोई भरेंगे और इसको चारों तरफ से एजेस इस तरह से सील करते जाएंगे और इसको मुंह एकदम पैक कर देंगे ताकि ये बिखरे नहीं और फटे नहीं। और इसको हाथ से फैला फैला के थोड़ा सा पतला कर देंगे। आप चाहे तो हल्के हाथ से बेलन से भी इसको बेल के तैयार कर सकते हैं। ऑयल
ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और हमें कचौरियाँ यहाँ गुनगुने ऑयल में फ्राई करनी है। ऑयल हमारा गर्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी कचौरियाँ अंदर से कच्ची रह जाएंगी। और हमें इस तरह से तेल उछालते हुए कचौरियों को फ्राई करना है। लीजिए, हमारी कचौरियाँ एकदम फूली फूली फ्राई होके तैयार है। अब इन्हें हम एक बाउल में निकाल लेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप इसे किसी भी हरी चटनी या इमली की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। मेरे यहाँ ये प्लेन ही खाई जाती है, इसलिए मैंने इनको यहाँ प्लेन ही सर्व करा है। आप भी बना के ज़रूर ट्राई करिएगा और कैसी बनती है कमेंट में ज़रूर बताएगा। थैंक यू, बाय बाय।